हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गूगल डॉक्यूमेंट हम कैसे बनाते हैं। जब भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जैसे कि अधिकतर ऑडियंस से ज़्यादातर लोग होते हैं तो उनसे हमें डाटा कलेक्ट करना होता है, तो इसके लिए या फिर हमें कोई सर्वे, जैसे अभी कोरोना वायरस पर बहुत सारे सर्वे किए गए हैं, इस प्रकार के सर्वे यदि हमें करने होते हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे अच्छा माध्यम होता है कि हम गूगल डॉक्यूमेंट से ये काम करें। तो उसके लिए हम गूगल फॉर्म क्रिएट करके गूगल फॉर्म भरवा सकते हैं। गूगल फॉर्म बनाते कैसे हैं इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। गूगल फॉर्म बनाने के लिए हमें क्रोम ब्राउज़र में जाना है। यहाँ पर हम सर्च करेंगे गूगल फॉर्म क्रिएट, तो हमारे पास ये इंटरफेस आता है। यहाँ पर जो हम सेकेंड साइड देख पा रहे हैं ना, इस पर हमें क्लिक करना है। इसके बाद गो टू गूगल फॉर्म्स का ऑप्शन आएगा, उस पर जाते हैं। तो यहाँ क्या होगा, गूगल फॉर्म ओपन हो जाए। फॉर्म ओपन होने के बाद सबसे पहले हम टाइटल डाल देते हैं। तो हम कोरोना से रिलेटेड सर्वे कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, COVID-19 सर्वे, ये हो जाएगा हमारा टाइटल। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में भी जो भी आपको सूटेबल लगे डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद में हमें क्वेश्चन लेना है, तो क्वेश्चन के लिए फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा व्हाट इज़ योर नेम। इस क्वेश्चन के लिए हम अब देखते हैं आंसर हमें किस टाइप से चाहिए। तो यहाँ हम शॉर्ट आंसर चूज़ कर सकते हैं, या पैराग्राफ ले सकते हैं, मल्टीपल चॉइस ले सकते हैं, चेक बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, कोई फाइल अपलोड करना है तो वो कर सकते हैं हम। यहाँ पर डेट टाइम जो भी सूटेबल लगे, तो इसके अकॉर्डिंग हम शॉर्ट आंसर यहाँ पर लेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि नाम तो शॉर्ट में आंसर दिया जा सकता है। इसको हम रिक्वायर्ड कर देंगे क्योंकि नाम हमको ज़रूरी है, नाम पूछना। इसके बाद ये सर्कल में जो प्लस का ऑप्शन है इसे टैप करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा व्हाट इज़ योर फादर्स नेम। तो इसके लिए भी शॉर्ट आंसर ही चाहिए हमें, इसको भी हम रिक्वायर्ड कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा प्लीज़ एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर डेट ऑटोमेटिकली आ गई है और इस क्वेश्चन को भी हम रिक्वायर्ड करने वाले हैं। तो नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये इस प्रकार की हम जनरल जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो हम ले सकते हैं। आपको जितने क्वेश्चन सूटेबल लगें आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम डबल सेक्शन में डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए ये डबल लाइंस पर हम टैप करते हैं तो सेकेंड सेक्शन आ जाएगा। उस सेक्शन में भी हम इसका टाइटल दे देते हैं, जैसे कोविड 19 सर्वे। और डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे हम कि प्लीज़ आंसर दीज क्वेश्चंस। इस सेक्शन में हमने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिया है हमारा कि व्हाट इज़ कोरोना, तो इसका आंसर हम लेंगे मल्टीपल चॉइस में। इसका ऑप्शन हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं कि एक तो पेंडेमिक, ऐड ऑप्शन पर जाएंगे, फिर इसके बाद सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर लिख देते हैं हम वायरस, ऐड ऑप्शन पर जाएंगे, थर्ड ऑप्शन में हम लिख देते हैं डिसीज़, ऐड ऑप्शन में यहाँ पर हम नेक्स्ट ऑप्शन रखते हैं ऑल ऑफ देम या ऑल ऑफ द एबव। इस प्रकार से हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ले सकते हैं और इस क्वेश्चन को भी हम रिक्वायर्ड रखेंगे। इसके बाद जो ऑप्शन है यहाँ पर अटैचमेंट का, इस ऑप्शन से हम क्वेश्चंस जो हमने प्रीवियसली, यदि कोई पहले से फॉर्म बनाया है उसमें क्वेश्चंस हैं और वो क्वेश्चन आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से हम वो क्वेश्चंस इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये सेलेक्ट किया है एक फॉर्म, अब इसके क्वेश्चंस यहाँ पर आ जाएंगे। तो
इसके हम क्वेश्चंस सेलेक्ट कर ले रहे हैं और इन क्वेश्चंस को इंपोर्ट कर देते हैं। तो जैसे ही हमने इंपोर्ट किया है यहाँ पर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आ गए हैं। तो आप और भी क्वेश्चंस अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो इस प्रकार से फर्स्ट सेक्शन में हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन और सेकंड क्वेश्चन सेकंड सेक्शन में हमने क्वेश्चंस रखे हैं। अब इस ये गूगल फॉर्म हमारा लगभग रेडी है। इसके बाद में हम इसे क्या करेंगे, हमें अब शेयर करना है। तो शेयर का ऑप्शन के लिए हम इसको प्रेस करेंगे शेयर के ऑप्शन पर और यहाँ पर देखेंगे कि हमें कलेक्ट कैसे करना है। यदि ईमेल के थ्रू कलेक्ट करना है तो यहाँ पर कलेक्ट ईमेल्स पर जाएंगे, इंक्लूड फॉर्म इन ईमेल्स कर देंगे। ठीक, इसके बाद में ईमेल से कलेक्ट करना है तो ईमेल से भी कर सकते हैं और इसको हम इसकी लिंक को भी हम शेयर कर सकते हैं। तो शॉर्टन यूआरएल्स, अब ये जो है इसे हम कॉपी करेंगे और इसके बाद इसे हम व्हाट्सएप से या मैसेज से जैसे भी आप शेयर करना चाहें लोगों तक शेयर कर सकते हैं और वो उस लिंक का यूज़ करके फॉर्म को फिल करेंगे। आप इससे रिलेटेड रिस्पॉन्स यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी व्यक्ति इसे फिल करेगा तो यहाँ पर रिस्पॉन्स शो होंगे। इससे आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसी थीम रखना चाहें उस प्रकार की थीम आप रख सकते हैं। जैसे ग्रीन कलर अप्लाई कर देंगे तो ये ग्रीन कलर में ओपन होगा, इस प्रकार से देखिएगा। इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे हम गूगल फॉर्म बनाते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि गूगल फॉर्म के रिस्पॉन्स वगैरह कैसे लेते हैं और उनका हम डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं, उनसे रिजल्ट्स कैसे बनाते हैं।